नमस्कार, स्वागत है आपका खबरी में। मैं हूं परिधिया कुमारी और चलते हैं आज के अपनी खबरों की ओर। फिलीपींस में 7.1 की तीव्रता से आया भूकंप, कोई बड़ा नुकसान नहीं। उत्तर फिलीपींस के आबरा प्रांत में बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान ने ये जानकारी दी। संस्थान ने बताया कि समयानुसार सुबह 8:43 पर आए भूकंप की रेक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.3 मापी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की गिरफ्तार करने की शक्ति को रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तार करने की कुर्की, तलाशी और जब्त करने की शक्ति को बरकरार रखा। कोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ECIR और FIR अलग अलग है और आरोपी को ECIR मुहैया कराना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान कारण बताया जाना पर्याप्त है। गुजरात में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 40 हुई, 10 गिरफ्तार। बोताड़ में पिछले 12 घंटों में 7 और लोगों की मौत के बाद राज्य में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वाले की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। पुलिस के मुताबिक मामले में अब तक कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भावनगर, बोताड़ और अहमदाबाद के अस्पतालों में अब भी करीब 50 लोग भर्ती हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से मिला 15 करोड़ कैश। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता स्थित एक और घर में बुधवार को ईडी की छापेमारी में 15 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। वहीं छापेमारी में 3 किलो सोना भी मिला है। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को भी मुखर्जी के घर व विभिन्न परिसरों से 20 करोड़ की नकदी जब्त की थी। भारत ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज को उसी की धरती पर हराया। भारत ने भारी बारिश से प्रभावित तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 119 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। इतिहास में यह पहली बार है कि भारत ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का उसी की जमीन पर सूपड़ा साफ किया है। भारत ने 36 ओवर में 225 पर 3 का स्कोर बनाया था और वेस्टइंडीज 26 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट हो गया।